हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेलकम टू शिक्षा सो गाइस दिस इज आर एर्थ लेक्चर फॉर योर इंडस्ट्रियल रिलेशन सीरीज एंड अभी तक के जितने लेक्चर्स हैं वो सबके सब आप जरूर देखिएगा सीक्वेंस में चलिएगा मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस सीक्वेंस में लेक्चर्स आ रहे हैं उस सीक्वेंस में देखिएगा हो सकता है कि ये वीडियो आपको पहली बार यूट्यूब के ऊपर नजर आया है और आप सीधा इस लेक्चर से शुरू कर रहे हो तो दिक्कत कोई नहीं है समझ आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो हमने टॉपिक करना है ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कनेक्टेड है बाकी के लेक्चर से बट एक फ्लो होता है ना एक सब्जेक्ट को समझने का एक फ्लो होता है उस फ्लो को मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा लेक्चर एट के अंदर दोस्तों हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे पीडीएफ की चिंता नहीं करनी है पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ सिर्फ एक सी वैल्यू के ऊपर आपको मिलता है नाइनटी नाइन रुपीज आपको पे करने होते हैं और आपको पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाता है ठीक है तो कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आएगी आपको तो टॉपिक्स इसके अंदर हम पहले तो फंडामेंटल राइट्स देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर इफेक्ट डालने वाले हमारे फंडामेंटल uh, राइट्स कौन से हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो तीन लिस्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्ेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट उनके अंदर कौन से कौन से सब्जेक्ट्स जो लेबर से रिलेटेड है वो कौन से सब्जेक्ट्स कॉन्कुरेंट में आते हैं कौन से यूनियन में आते हैं कौन से स्टेट में आते हैं वो देखेंगे क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे ये जो आज का लेक्चर है ये एक ऐसा लेक्चर है जिसके अंदर से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे एग्जाम के लिए चलिए फटाफट से शुरू करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स जिनकी डायरेक्ट बेयरिंग होती है आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के ऊपर सबसे पहले तो देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ डेफिनेटली बात करता है कि आपको सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है लॉ के लिए कोई भी अलग नहीं है तो डेफिनेटली यहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या कंसेप्ट आ जाता है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर इम्पैक्ट करेगा दैट वर्कर्स आर ऑल्सो इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ तो जब इंडस्ट्रियल रिलेशन या लॉ जो डिवाइस होगा उसके अंदर किसी भी तरीके से इन इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए दूसरा आर्टिकल 15 अगेन डायरेक्ट बेयरिंग है क्योंकि ये क्या बात करता है कि किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर चाहे वो इंप्लॉयमेंट रिलेटेड मैटर्स ही क्यों ना हो आर्टिकल 16 जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट है अगेन अपॉर्चुनिटी और इंप्लॉयमेंट की बात कर रहा है एबोल्यूशन ऑफ अन टचेबिलिटी एन टचेबिलिटी कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ट आर्टिकल सेवनटीन उसके बाद दोस्तों आपका आर्टिकल 19 जो बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली छह फ्रीडम्स की बात करता है तो उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का डायरेक्ट बेयरिंग है आपकी ट्रेड यूनियन मूवमेंट के ऊपर तो आर्टिकल 19 आपकी ट्रेड यूनियन मूवमेंट को एनकरेज करता है आर्टिकल ट्वेंटी जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज सो बेसिकली अगर लेबर लॉ से रिलेटेड कोई ऑफेंसिस हैं तो ये उसके लिए फंडामेंटल राइट right की डायरेक्ट बियरिंग है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ठीक है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर वेरियस प्रोविजन आ जाते हैं कि आप एक जो ह्यूमन बींग है लाइफ एक फंडामेंटल राइट right है उसका तो इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट के अंदर इस तरह का कोई भी सिचुएशन में आप किसी वर्कर को नहीं डालें जो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग बन जाए आर्टिकल ट्वेंटी टू अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आ जाता है इनडायरेक्ट बियरिंग इसका रहता है फिर आर्टिकल ट्वेंटी थ्री जो कहता है कि आप ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिकिंग या फोर्स्ड लेबर नहीं प्रैक्टिस कर सकते ये डायरेक्टली इंपॉर्टेंस है इसकी एंड चिल्ड्रंस की इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड आपका आर्टिकल ट्वेंटी फोर है तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के विच है डायरेक्ट बियरिंग ऑन योर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस नेक्स्ट आ जाते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट के ऊपर तो कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट हैं आप जानते हो एक है आपकी यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट बेसिकली कौन सी लिस्ट होती है देखो अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो बहुत सारी चीजें थी भाई हमारे यहाँ पर अब एक केंद्र सरकार भी है एक राज्य सरकार भी है तो अब यह कंफ्यूजन आ गई कि केंद्र सरकार की क्या पावर होगी किन एरियाज में केंद्र सरकार की पावर चलेगी किन एरियाज में राज्य सरकारों की पावर चलेगी तो क्या किया एक पूरी लिस्ट बनाई गई अलग अलग विषयों की लिस्ट बनाई गई जैसे डिफेंस एक विषय हो गया ठीक है जैसे कम्युनिकेशन एक विषय हो गया एग्रीकल्चर एक विषय हो गया लेबर एक विषय हो गया तो अलग अलग विषयों की लिस्ट बनाई गई और फिर उन विषयों को तीन भागों में बांटा गया तीन भाग कौन से थे एक को बोला गया यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट रखे गए वो टॉपिक्स रखे गए वो विषय रखे गए जिनके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाएगी दूसरी थी स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट के अंदर वो विषय रखे गए जिनके ऊपर जो कानून है वो कौन बनाएगा वो आपकी राज्य सरकार बनाएगी और एक लिस्ट थी आपकी कॉन्कुरेंट लिस्ट कॉन्कुरेंट लिस्ट वो लिस्ट थी जिसके अंदर ऐसे विषय थे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है दोनों बना सकते हैं ठीक है तो यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली आपके लेबर लॉ के ऊपर बेयरिंग है सबसे पहले पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एसोसिएशन एंड अदर बॉडीज एंड इंप्लीमेंटिंग डिसीजंस मेड देयर एट बॉडी यूनियन लिस्ट है तो बेसिकली ये क्या बोलती है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस के अंदर जहां पर इंडिया एक इन्वाइटी है वहां पर पार्टिसिपेट कौन करेगा वहां पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी पार्टिसिपेशन से रिलेटेड ये डायरेक्ट बेयरिंग क्यों है क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइपटाइट है उनमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो जनता की भी होनी चाहिए ठीक है उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन इंप्लॉयर और इंप्लाइज की भी होनी चाहिए तो उसको एनकरेज करेगा ये यह यहां पर उसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है पोर्ट क्वारंटाइन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स कनेक्टेड देयर विद सी मैन एंड मेराइन हॉस्पिटल सो बेसिकली जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड क्वारंटाइन प्रैक्टिसेस होती हैं वो यहां पर आ जाती हैं रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स तो लेबर की सेफ्टी से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस जो भी नॉर्म्स बनाए जाएंगे उनकी सेफ्टी से रिलेटेड uh, से जो माइंस में ऑपरेट करने वाले वर्कर्स हैं या जो ऑयल फील्ड्स के अंदर ऑपरेट करने वाले वर्कर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी रेगुलेशन होगा उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है केंद्र सरकार को है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसर्निंग यूनियन इंप्लाइज केंद्र के जो इंप्लाइज है सेंटर गवर्नमेंट के जो इंप्लाइज हैं अगर उनसे रिलेटेड कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो उसके ऊपर भी मैनेजमेंट करने का अधिकार किसका है यूनियन लिस्ट का है उसके बाद यूनियन एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रोफेशनल वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग अगर कोई भी सेंट्रल लेवल के ऊपर इंस्टीट्यूशन है या एजेंसी है तो उसकी मैनेजमेंट का काम किसके के से रिलेटेड लॉ कॉन बनाएगा अगेन यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी कोई स्पेशल स्टडीज क्रिएट करनी है रिसर्च के लिए इन एरियाज में तो वहां पर भी यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी उसके अलावा जो भी इंक्वायरी सर्वे या स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट करने हैं ठीक है थीके, वो सब जो है यूनियन गवर्नमेंट करेगी रिलेटेड टू द मैटर्स विच आर देयर इन यूनियन लिस्ट तो इन मैटर्स से रिलेटेड सर्वे कंडक्ट करने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास है नेक्स्ट आ जाती है कॉन्कुरट लिस्ट यानी कि इसके ऊपर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों बना सकती हैं इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग करनी है ठीक है कोई स्कीम लेकर के आनी है वर्कर वेलफेयर से रिलेटेड ट्रेड यूनियंस इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई लॉ क्रिएट करना है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट लोकल कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पर काम कर सकती है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स कोई लेकर के आने हैं सोशल इंश्योरेंस स्कीम इम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई बेनिफिट्स हैं लेबर के वेलफेयर से रिलेटेड कोई स्कीम है चाहे वो उनकी वर्क कंडीशन की इम्प्रूवमेंट के लिए हो प्रोविडेंट फंड के प्रोविजन हो इम्प्लॉयर की लाइबिलिटी हो रिलेटेड टू सर्टेन एक्सीडेंट्स और इन सर्टेन सिचुएशंस वर्कमैन से रिलेटेड कंपेंसेशन हो ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स हो मेटर्निटी बेनिफिट्स हो तो इसके ऊपर भी केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती हैं ठीक है लेबर की वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग से रिलेटेड कानून फैक्ट्रीज का रेगुलेशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकती हैं ठीक है कॉन्क्रेंट लिस्ट के अंदर या स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर कोई भी सर्वे करना है या इंक्वायरी करनी है तो वो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कैरी ऑन कर सकते हैं फाइनली आती है आपकी स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट बेसिकली पब्लिक ऑर्डर कानून व्यवस्था देखना जो है वो राज्य सरकार उसके ऊपर बना सकती है अब कोई ट्रेड यूनियन मूवमेंट है अगर वो उस राज्य के पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रही है तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है हेल्थ सैनिटेशन हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज़ वग़ैरह से रिलेटेड तो ये देखा जाएगा कि जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है नियर बाय हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज़ हैं या नहीं है अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या नियर बाय हॉस्पिटल होना ज़रूरी है कि नहीं ठीक है तो वो सब चीज़ें जो है राज्य सरकार कानून बनाती है अगर डिसेबिलिटी हो जाती है काम करते हुए ठीक है या अनएम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट हो जाती है बेसिकली कोई एक्सीडेंट हो गया उसमें अगर बंदे का हाथ चला गया तो वो और जगह कहीं काम करने के लायक भी नहीं बचा तो उस केस में क्या रिलीफ जो है इंप्लॉयर को ऐसे इंप्लॉय को प्रोवाइड करना है उससे रिलेटेड कानून भी कौन बनाएगा आपका राज्य सरकार तो ये तीन लिस्ट है याद रखना है वो डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन पूछ ले कि जो ट्रेड यूनियंस इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है ये किस लिस्ट के अंदर आता है यूनियन के अंदर स्टेट के अंदर कॉन्करेंट के अंदर या रेज्यूडरी रेज्यूडेरी ऐसा कोई लिस्ट नहीं है रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये टर्म भी यहां पर समझ लो अब हमने देखो सारे विषयों की एक लिस्ट बनाई और उसको तीन में बांट दिया स्टेट यूनियन और सेंट कॉन्कोरेंट बट कुछ सब्जेक्ट फिर भी ऐसे हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आए जो लेफ्ट आउट रह गए उनको हम बोलते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट्स जो तीनों लिस्ट में नहीं आ रहे ना यूनियन लिस्ट में है ना स्टेट में है ना कॉन्करेंट में है और इन रेजिडरी सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है यूनियन गवर्नमेंट को होता है ठीक है तो ये भी एक ऑप्शन आपका क्रिएट हो जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर आ जाए आप की बात करें तो आर्टिकल 39, 41, 42, 43 ये तो डायरेक्टली आपके इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलेशन को इंपैक्ट करते हैं आर्टिकल 39 की बात करें आर्टिकल 39 सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपके प्रियम्बल के अंदर भी है आर्टिकल थर्टी में क्या लिखा है कि स्टेट को क्या इनकरेज करना है इक्वल पे फॉर बोथ मैन एंड वुमेन सेम काम के लिए अगर सेम काम है ठीक है उस काम के लिए अगर पुरुष को एक अमाउंट मिल रहा है तो महिला को भी उतना ही अमाउंट मिलना चाहिए ऐसा नहीं है कि पुरुष को तीन सौ रुपए मिल रहे हैं तो महिला को सेम काम के लिए दो सौ रुपए मिल रहे हैं ऐसा होता है अभी भी इंडस्ट्री के अंदर होता है आप सब आ, ये आ, पेज थ्री टाइप न्यूज पढ़ते हो उसमें आप देखते हो ना अक्सर जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती हैं वो कंप्लेंट करती हैं कि हमें मेल एक्टर जितना पैसा नहीं मिलता तो बेसिकली आर्टिकल थर्टी नाइन क्या बोल रहा है कि इक्वल पे होना चाहिए इक्वल काम के लिए आर्टिकल आर्टिकल 41 41 क्या कहता है? 41 कहता है है कि स्टेट को अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी को यानी कि स्टेट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए उसको कुछ इफेक्टिव प्रोविजंस बनाने हैं क्या राइट टू वर्क हर आदमी के पास काम करने का अधिकार नहीं होना चाहिए ये बेसिकली जो अनएम्प्लॉयबिलिटी की सिचुएशन है ना या अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए कि भैया काम तो दो सबको ठीक है अगर किसी को काम ही नहीं मिल रहा तो वो गरीबी से निकल ही नहीं पाएगा उसकी बेचारी की क्या गलती है उसको काम ही नहीं मिल रहा तो काम देना उसका काम मिलना उसका अधिकार है मनरेगा जो है वो इसी को बेसिकली डील करता है जो आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है वो इसी को डील करता है ठीक है राइट टू वर्क एजुकेशन शिक्षा का अधिकार ठीक है अगर अनइंप्लॉयमेंट है बेरोजगारी है नहीं मिल रही नौकरी तो उस केस में पब्लिक असिस्टेंस उसको जिसको आप बेरोजगारी भत्ता बोलते हो ठीक है कि भाई वो तो नौकरी ढूंढ रहा है वो तो नौकरी करना चाहता है पर उसको काम नहीं मिल रहा तो उस केस में सरकार को उसको असिस्ट करना पड़ेगा ओल्ड एज में असिस्टेंस ठीक ठीक है है सिकनेस या डिसेबलमेंट हो गया बीमारी की वजह से या डिसेबिलिटी की वजह से आदमी काम नहीं कर पा रहा है उस केस में पब्लिक असिस्टेंस ठीक है तो ये आपके आर्टिकल 41 के अंदर है जो राइट टू वर्क की बात करता है और पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है अगेन डायरेक्ट बियरिंग ऑन योर इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर्टिकल 42 के ऊपर आ जाओ आर्टिकल 42 क्या कहता है कि सरकार को ये देखना है कि जो कंडीशंस ऑफ वर्क है ना वो अच्छी होनी चाहिए ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए ऐसा नहीं अब कहीं आप फैक्ट्री में चले जाओ वहां पर लाइट ही नहीं है ठीक है अंधेरे में वर्कर काम कर रहे हैं वो क्या है वो अनजस्ट सिचुएशन है ठीक है दिस दैट इज़ नॉट अ ह्यूमन कंडीशन उसको रेस्ट नहीं मिल रहा उससे पंद्रह पंद्रह घंटे काम कराया जा रहा है तो कंडीशन ऑफ वर्क अच्छी होनी चाहिए और महिलाओं के लिए स्पेशली मेटर्निटी रिलीफ का प्रोविजन होना चाहिए आर्टिकल फोर्टी आर्टिकल फोर्टी क्या कहता है कि ये स्टेट को देखना है कि जो भी वर्कर्स हैं चाहे वो एग्रीकल्चर हैं इंडस्ट्रियल हैं जो भी वर्कर्स हैं उनकी जो वेज है वो मिनिमम लिविंग वेज होनी चाहिए इतना पैसा मिलना चाहिए उनको या इतना उनको मिनिमम वेज मिलना चाहिए जिससे वो एक अच्छी जिंदगी जी सकें ठीक है जिससे वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सकें

पहनने को कपड़ा होना चाहिए खाने को रोटी होनी चाहिए पीने को साफ पानी होना चाहिए पढ़ने के लिए एजुकेशन होनी चाहिए और कल्चरल पार्टिसिपेशन के लिए भी उसके पास स्कोप होना चाहिए वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है फिर आ जाता जी आपका आर्टिकल 43 थ्री आर्टिकल 43 ए क्या कहता है कि सरकार को ये देखना है कि वर्कर्स की पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट के अंदर वर्कर्स को हमने मैनेजमेंट के साथ पार्टिसिपेट करवाना है जिससे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा और इकोनॉमी ग्रो कर सकेगी ठीक है दोस्तों सो आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स थ्री लिस्ट और डीपीएसपी जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर के अंदर ओके okay. सो दिस वॉज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर फिर भी कोई डाउट हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो मेल कर दो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर आप मैसेज कर सकते हो ठीक है सो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो बहुत काम आएगा आगे ठीक क्यों